नमस्ते सस्तेगा सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है 20 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मस्जिद नबवी। जो मस्जिद नबवी है वो हम सबको पता है कि वो भी जो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा बनाई गई है, और ये उनके द्वारा बनाई हुई सेकेंड मस्जिद है। जो फर्स्ट थी वो है मस्जिद काबा और सेकंड ये हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी अमेजिंग बातें हैं जो वी ऑल शुड बी अवेयर अबाउट। और जो मेरी पहले वाली वीडियो है मैं एक बार बना चुकी हूँ, उसमें मैंने जो काबा मस्जिद काबा है उसमें हमने दिखाया था कि उसके बारे में जो 10 अमेजिंग फैक्ट थे, जैसे कि 300 kg गोल्ड, 42 करोड़ का एवरी ईयर, 420 करोड़ एवरी ईयर दे आर स्पेंडिंग ऑन द पर्दा, वो जो मस्जिद को कवर करता है। तो इस वीडियो को चलाते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से अमेजिंग फैक्ट्स हैं। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मस्जिदें मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम होती हैं। पूरी दुनिया की मस्जिदें इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होती है जिसमें मुसलमान अपने रब को राजी करने के लिए इबादत करता है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती को देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद नबवी के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट जानेंगे जिनको यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के बीच में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, इसी वजह से लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं और एक मुसलमान को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। इसीलिए आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। दोस्तों, जिस जगह आज मस्जिद नबवी है वो जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो यतीम बच्चों साहल और सुहेल की मलकियत में थी। इन दोनों बच्चों ने मस्जिद नबवी के लिए अपनी जमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी सौंप दी। एक हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की नींव खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों की बनाई गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मस्जिद नबवी की तोसी यानी इजाफा किया गया। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब में सन 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबवी में ही बिजली लगवाई गई थी। गुम्बद खिजरा को देखकर प्यारे आका की याद में आंखें नम हो जाती हैं। शुरुआती दौर में गुम्बदे खिजरा लकड़ी का हुआ करता था। बाद में सन 1818 में उस्मानी सुल्तान महमूद द्वितीय ने गुम्बदे खिजरा को ईंटों और पत्थरों से बनवाया। सन 1837 में पहली बार गुम्बदे खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले ये सफेद और जामुनी रंग में हुआ करता था। दोस्तों, गुम्बदे खिजरा के बिल्कुल नीचे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रे मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, उसी हिसाब से मस्जिद नबवी में तोसी यानी इजाफा किया जाने लगा। खुलफाए राशिदीन और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबवी में इजाफा किया गया। इसी दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए, दरवाजों और छत पर सोने की परते चढ़ाई गई। जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई तब मस्जिद नबवी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊद ने मस्जिद नबवी को 235,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। ये मस्जिद नबवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी से 100 गुना बड़ी है। दोस्तों, मस्जिद नबवी उन तीन मुकद्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफर किया जा सकता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई सिर्फ एक नमाज बाकी आम मस्जिदों में पढ़ी गई आम नमाजों से 1000 गुना ज्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी की छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं जिनकी अंदर वाली सतह पर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। ये गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं। हर एक गुंबद का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरी मस्जिद नबवी में
तकरीबन 100 से ज्यादा लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं और हर दरवाजे पर कई किलो सोने की परतें लगाई गई हैं। इन दरवाजों की खूबसूरती देखने लायक होती है। ये दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि आप इनको सिर्फ एक उंगली से खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में एक VIP दरवाजा भी है जहां से सिर्फ बड़े बड़े खास मेहमान ही अंदर आ सकते हैं। यह दरवाजा नंबर 39 है और जन्नतुल बकी की तरफ है। अल्लाह एक दिन हमें भी इसी दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल होने की तौफीक दे। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद नबवी को देखते हैं तो यकीनन आपको इस बात की हैरानी तो जरूर होती होगी कि मस्जिद नबवी का कोना कोना इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा कैसे रहता है। दरअसल मस्जिद नबवी में 6000 से ज्यादा सफाई कर्मी लगे रहते हैं जो 24 घंटे मस्जिद नबवी की सफाई करते रहते हैं। अगर जायरीन कोई जरा सा भी कूड़ा कचरा कहीं पर गिरा देता है तो मस्जिद नबवी के खादिम उस कूड़े को हाथों हाथ उठा लेते हैं। मेरा दावा है कि हरम शरीफ को छोड़कर मस्जिद नबवी जैसी साफ सुथरी और पाक जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और इस बात पर हम मुसलमान फख्र महसूस करते हैं। आपको ये बात जानकर तो हैरानी जरूर होगी कि मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबवी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट कहाँ से किया जाता है। मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय, सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगे कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट्स और बाथरूम ही बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मर्तबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर्स में भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में विकलांग, बुजुर्ग और हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरी मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा बल्ब लगे हुए हैं जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हजार स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मुख्य मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फज्र की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं, जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में धर लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 1300 कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट से बिछाए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी न आए। इन कारपेट्स पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को तो आपने जरूर देखा होगा। आज से 10-15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40-50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया।
ये छतरियाँ सेफलोन कपड़े से बनी हुई होती हैं, जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही ये पानी में भीग सकती हैं, यानी वाटरप्रूफ होती हैं। ये छतरियाँ सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती हैं। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी ना लगे, इसलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस्ट फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैंस हर एक घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के एनवायरनमेंट को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे एसी भी फेल हो जाती है। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की किताबें, कई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीजें और उस जमाने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थी। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत खत्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीजें तुर्की के इस्तांबुल शहर की तोप कापी म्यूजियम में रखवा दिए, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान महीने में नमाजियों की ये तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिद नबवी के बारे में आपने इतनी सारी मालूमात कहीं नहीं सुनी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। 5 दिन में 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं मुसलमान मस्जिद नबवी की वीडियो पर लाइक करते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। शुक्रिया। तो ये तो फैक्ट है कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना इज नॉट सो इजी टास्क, बिकॉज अगर इतनी ज़्यादा क्राउड होता है तो उसमें सबसे पहला टास्क क्या होता है कि मीन्स वहाँ पे किसी भी छोटी चीज़ के लिए लोग इधर उधर एकदम से भागने ना लगें, बिकॉज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही होता है कि हो सकता है कि कोई एक भी गिर जाए तो वो बंदा दब सकता है। और अच्छा, इस वीडियो में ना स्टार्टिंग में ही था कि उन्होंने बताया था कि इस मस्जिद के नीचे वो कब्र है, तो बट मैंने ये सुना था कि मस्जिद में कब्र नहीं होती, किसी की दरगाह में होती है, तो पता नहीं। तो इसमें फिर मस्जिद में कब्र क्यों बनाई उन्होंने, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है या देखा है या पढ़ा है तो यही बोलते हैं कि मस्जिद में नीचे किसी की भी कब्र नहीं बनाई जाती है। और सेकंड जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इन्होंने मेंशन किया है कि उस टाइम की बहुत सारी कुरान जो उस टाइम पे लिखी गई थी वो सब रखी गई थी। तो इतनी सारी कुरान कैसे, मतलब कुरान तो एक ही है ना, तो आई डोंट नो कि व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, बट आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर मेंशन करना, बिकॉज आई जस्ट वांट टू क्लियर माय डाउट कि कुरान एक ही है या मल्टीपल है, तो वो ज़रूर आप लोग मुझे मेंशन करके बताना है कॉमेंट में। और मुझे सबसे अच्छा है इस वीडियो में लगा वो जो अम्ब्रेला उन्होंने बनाए हैं गर्मी से बचाने के लिए लोगों को, जो नमाजी होते हैं उनके लिए, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब अपने आप से जैसे खुल के, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो शैंडलियर इतने सारे लगाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये मस्जिद 1000 square meter एरिया में बनाई थी उन्होंने, 1050 square meter आई गेस, बट अभी 2 lakh+ एरिया है जो उन्होंने कवर किया, ऑलमोस्ट मोर देन 200% ज़्यादा कवर किया है उन्होंने एरिया। तो मतलब एक छोटी सी मस्जिद जो उस टाइम पे दो बच्चे जो साहिल शोहेब समथिंग, सॉरी मैं भूल गई नाम, अगली बार से मुझे एक काम करना पड़ेगा, आई विल कीप माई नोट पैड विद मी सो दैट आई कैन यू नो नोट डाउन द पॉइंट्स कि क्या क्या है, उसे मुझे भी अगर कभी फ्यूचर में भी रेफर करना है तो आई विल हैव माई नोट्स रेडी विद मी। तो बिकॉज वीडियो के एंड तक आते आते थोड़े से, बिकॉज यू नो आई एम अ सिख गर्ल, तो हमारे में क्या होता है कि नाम जो है सब कुछ टोटली डिफरेंट होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो जब तक मैं पहुंचती हूँ उस टाइम तक वो जो थोड़े प्रोनंसिएशन ऑफ दोज नेम्स इज बिट डिफिकल्ट फॉर मी, तो कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं, तो आई कीप माई नोट पैड रेडी विद मी फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। और शैंडलियर्स बहुत खूबसूरत लगे थे, और 6000 उन्होंने एरिया क्लीन करने के लिए जो नौकर वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, 6000,
तो इतनी बड़ी मस्जिद को टेक केयर करना, उसकी मैनेजमेंट करना, फिर इतना ज़्यादा स्टाफ, उन लोगों की सैलरीज पे करनी, तो ये सारी सऊदी गवर्नमेंट ही आई गेस करती है। तो क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के पास ही इतना ज़्यादा पैसा है, 100+ ऑलमोस्ट दरवाजे हैं वहाँ पे, और हर एक दरवाजे में गोल्ड लगा हुआ है। जो गुम्बद थे हम क्वाइट यू नो सरप्राइज टू नो कि 800 kg, उस वो जो ऊपर टॉम था जिसको गुम्बद बोल रहे थे, तो 800 kg होने के बाद भी वो अपने आप से स्लाइड करते हैं। और उसके बाद में आई गेस कि ऐसा होता होगा कि धूप वेदर ठीक है तो चलो जी थोड़ा सा ऊपर खुल गए, वेदर ख़राब हुआ तो दोबारा से बंद हो गए। तो वो भी एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बनाई गई है वहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मस्जिद बनाई गई है। और सेम अगर ऐसे बात करें तो अगर इंडिया में हम देखें, इंडिया में जो गोल्डन टेम्पल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड लगा हुआ है, उसका ऊपर जो सारे टॉम बनाने के लिए जो पिलर हैं साइड में, उन सब में काफ़ी गोल्ड इन्वेस्ट किया गया है। तो सेम वे मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा गोल्ड लगाया गया है। जो मक्का था उसमें भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 300 kg गोल्ड का सिर्फ एक दरवाज़ा था, इतना पैसा है सऊदी गवर्नमेंट के पास में। और इसमें उन्होंने टारगेट रखा है कि 5 days में देखते हैं कि कितने लाइक्स आते हैं। तो मैं भी ये टारगेट रखती हूँ फिर कि देखते हैं नेक्स्ट 5 days में मेरी इस वीडियो में कितने लाइक आते हैं। हम लोग भी 5000 का टारगेट लेके चलते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम लोग अपनी मस्जिद नबवी के लिए कितने लाइक्स देते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।